हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर प्रीवियस चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। अंडर दैट आवर न्यू टॉपिक 7.2 मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, नाउ सी दिस स्क्रीन। कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन मीन्स यू नो वेरी वेल, जब आप घर के अंदर बैठे हो और फिर भी आपको हम कह रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो जब आपको सेल्फली मोटिवेशन मिलेगा, जब आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई पढ़ना तो हमें, ये रिजल्ट हमें ही चाहिए, तो आप जब सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन, तो ही आपका कुछ अच्छा परसेंटेज आ सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मोटिवेशन की। मोटिवेशन का मीन्स क्या होता है? इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। मतलब एक ऐसा इंसाइटमेंट होना चाहिए, इंड्यूसमेंट होना चाहिए, जिससे कि आप काम को करने के लिए प्रेरित हो जाओ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन ए डिज़ायर मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है, जहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है वो एक्ट करते किसके हिसाब से, डिज़ायर मैनर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वैसा ही वो काम करते, जिससे कि उनको काम में बेस्ट जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। वाइल डिस्कसिंग अबव मोटिवेशन, जब हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन के बारे में, वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, मतलब मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेटर्स क्या होते हैं, जो हम खुद से मोटिव होते हैं या खुद को प्रेरित होते हैं, मोटिव हो गया। जब आपको कोई मोटिवेट करता है, वो आप में क्या हो जाती है, मोटिवेशन मिलती है, और जो आपको मोटिवेट करता है वो क्या होता है, मोटिवेटर्स होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। जो हम मोटिवेशन होते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं, उसका क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, हमारे इंटरनल फीलिंग है, खुद के अंदर से निकलने वाली एक फीलिंग है। द अर्थ ड्राइव्स डिज़ायर एस्पिरेशन स्ट्राइविंग और नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग विच आर इंटरनल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। लाइक एग्जाम्पल, पीपल में हैव द यूज और डिज़ायर ऑफ प्रोसेसिंग ए मोटर बाइक, कम्फर्टेबल हाउस, रेपुटेशन इन द सोसाइटी। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसे अच्छी बाइक चाहिए या अच्छी कार चाहिए, कंफर्टेबल घर चाहिए, अच्छे सा एक रेपुटेशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो उसके लिए जब उसकी खुद की ईगरनेस होती है, दिस अर्थ आर इंटरनल टू एन इंडिविजुअल, तो वो क्या हो, इंटरनली आप वो सोच सकते हो, जो आप सोचते हो लोगों को दिखता नहीं, वो आपके माइंड के अंदर ही होता है। इसके लिए मोटिवेशन कैसी होती है, इंटरनल फीलिंग होती है, जस्ट यू हैव टू फील, अकॉर्डिंग टू फील यू हैव टू रिएक्ट, फील के हिसाब से आप रिएक्शन कर देते हो। सेकेंड फीचर, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या निकालता है, आपका जो गोल होता है, आपका जो डायरेक्शन में गोल बिहेवियर को दिखाता है, जो आपने मोटिवेट हो गए हो तो आप गोल के अकॉर्डिंग ही काम करने लग जाते हो। एग्जाम्पल, द प्रमोशन इन द जॉब मे बी गिवन टू एम्प्लॉई विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। जब आपको पता है कि प्रमोशन से क्या होगा, आपके एम्प्लॉई अगर हैं, उनका प्रमोशन होगा तो उसकी सैलरी हाई हो जाएगी, पोस्ट हाई हो जाएगा, स्टेटस हाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इम्प्रूविंग आर परफॉर्मेंस, अपना परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे। इफ़ द इम्प्लॉइज इज़ इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, इट हेल्प टू प्रोड्यूस ए बिहेवियर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर इम्प्लॉई चाहते हैं अपना प्रमोशन बढ़ाना या प्रमोशन लेना, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, अपने आप में सुधार करना शुरू कर देंगे। देन थर्ड, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। सो पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड ए पॉजिटिव रिवॉर्ड्स लाइक इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एट्सेट्रा। अगर आप सकारात्मक मोटिवेशन मिलते हैं, तो उसे आपका पे बढ़ सकता है, प्रमोशन बढ़ सकता है, आपका रिकॉग्निशन अच्छा हो सकता है। बट नेगेटिव मोटिवेशन यूजेस नेगेटिव मीन्स लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, थ्रेटनिंग एट्सेट्रा, विच ऑल्सो मे इंड्यूस ए पर्सन टू एक्ट इन द डिज़ायर वे। इससे जो सामने वाला है, उसके काम करने की इच्छा एकदम खत्म हो जाती है, उसको लगता है कि यार हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा काम में टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, इससे क्या काम करना है, इससे काम ही ना करें, इसलिए निगेटिव मोटिवेशन भी होता है। तो मोस्टली आजकल की जो एडल्ट है, वो निगेटिव मोटिवेशन में ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स से कम और फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनते हैं। मोटिवेशन इन ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल आर हिटेरिजीनियस और इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शंस एंड रिएक्शन। क्योंकि जो मोटिवेशन है,
वो खुद के अंदर की चाहत होती है, खुद की सोच होती है, खुद के रिएक्शन होता है, तो वो हम लोग, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन में नॉट हैव यूनिफॉर्म, कोई भी मोटिवेशन एक जैसा नहीं होता, हर एक इंसान के हिसाब से उनका इफेक्ट, उसकी स्ट्रेटेजी सब कुछ अलग अलग होती है। ओके, तो हमने देखा फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट न्यू टॉपिक, मास्लो और नील हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मास्लो ने हायरार्की थ्योरी के लिए क्या बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिसन केयरफुल्ली। मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी कंसिडर करती है फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन, मतलब बेसिक से आप समझो मोटिवेशन क्या होता है। अब्राहम मास्लो एज वेल नॉन साइकोलॉजिस्ट इन ए क्लासिक पेपर पब्लिश्ड इन 1943 आउटलाइन द एलिमेंट्स ऑफ एन ओवरऑल थियरी ऑफ मोटिवेशन। ये 1943 में पब्लिश किया गया है इनकी बुक को, और ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इनके जो एलिमेंट्स है ओवरऑल थियरी इनकी मोटिवेशन के ऊपर ही है। His theory was based on human need. इनकी theory किसके बेस पे है, मनुष्य की आवश्यकताओं के ऊपर। He felt that within every human being there exists a hierarchy of five needs. इनके सोच ऐसी है कि हर एक जो person है उनकी five basic needs होती हैं, और five needs के हिसाब से ही वो act करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, सबसे पहले हमारे बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है। ये नीड में क्या आता है, बेसिक इन हायरार्की एंड करस्पॉन्डेंट टू प्राइमरी नीड्स, मतलब सबसे पहले नंबर की जो नीड है, लाइक कि हंगर, भूख, प्यास, घर, सोना, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है हमारे बेसिक नीड्स के लिए। इन दी ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक बातें क्या आती है, सैलरी हैव टू सेटिस्फाई बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। आप काम कर रहे हो और आपको सैलरी नहीं मिले तो आपको काम करने का मन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बेसिक क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सैलरी। ओके, सेकेंड बेसिक नीड्स में क्या आता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। दिस नीड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, मतलब अगर आप सेफ हो, सिक्योर हो, आपकी आवश्यकताएं सब पूरी हो रही है, तो आप क्या हो, फिजिकली और अपने इमोशंस में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, आप फिट रहोगे, कोई आपको डेंजरसिटी नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल जॉब की सिक्योरिटी होना, इनकम स्टेबल होना, पेंशन प्लान आपको हमेशा मिलते रहना, तो आपको कोई टेंशन होगा ही नहीं, ना फिजिकली कोई टेंशन होगा, ना आपको इमोशनली होगा, ना मेंटली होगा, कुछ भी नहीं। तो सेकेंड हमारे बेसिक में आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड होता है एफिलेशन बिलोंगिंग नीड्स, मतलब यहाँ पे आपका किसी के साथ में रिलेशनशिप भी होना जरूरी होता है, फ्रेंड सर्कल भी होना बहुत जरूरी होता है, भी हमारे बेसिक नीड है। दिस नीड रिफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, मतलब जब आप बहुत खुश हो या दुख हो, अगर आपको अपनी बातों को शेयर करने के लिए कोई मिलता ही नहीं है, तो भी इसका बहुत बैड इफेक्ट होता है हमारे हेल्थ के ऊपर। तो इसके लिए हमारा अफेक्शन, इंट्रैक्शन, बिलोंगनेस, एक्सेप्टेंस, फ्रेंड सर्कल के साथ में होना बहुत ज़रूरी है, ये भी मास्लो के हिसाब से सही बात है। फोर्थ वन इस्टीम नीड, इस्टीम मतलब क्या होता है, स्टेटस, सोसाइटी में हमारा खुद का ओहदा भी होना चाहिए। दिस इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन, मतलब आपकी खुद की इज्जत होनी चाहिए। जब आपकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं होगी तो आप दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ पे इंसान कुछ कर नहीं सकता, ना रह सकता है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, रिकॉग्निशन है, या हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान वहीं लगता है जहाँ हमें इज्जत मिलती है, ठीक है। फिफ्थ वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब हकीकत में हमारी जो एक्चुअली नीड है खुद की, वो भी हमें पूरी करना जरूरी होती है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है। इसके अंदर क्या आता है, ड्राइविंग टू बिकम व्हाट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, मतलब हम कितने कैपेबल हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। दिस नीड इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल, ये एक ऐसी नीड है जिससे कि हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं, खुद को फुलफिल कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो हमने देखो मास्लो थ्योरी के जो एक डायग्राम दिया, इसको समझेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले क्या थी हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक सेल्फ इंडिविजुअल की पर्सन के हिसाब से है। सेकंड क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, मतलब घर, नौकरी, सब कुछ सिक्योर होना चाहिए जिससे कि हमें टेंशन ना रहे, ठीक है। थर्ड क्या होता है, एफिलेशन बिलोंगिंग नीड्स, मतलब हर एक के साथ हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, किसी के साथ में दोस्ताना भी होना जरूरी होता है। फोर्थ है हमारी स्टीम, मतलब क्या, जो हमारा स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, हमारा अटेंशन वहीं होगा जहाँ हमारी रिस्पेक्ट होगी। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब हमें खुद को पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम कर क्या सकते हैं, क्या पा सकते हैं। तो ये तो मास्लो थ्योरी है। तो उसके राइट साइड में देखो ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड क्या होगी, सैलरी। दूसरा आपकी सेफ्टी क्या होगी, आपकी पेंशन प्लान। तीसरे आपकी एफिलेशन किससे होगी, कॉर्डियल रिलेशन विद कॉलेजियस, मतलब जो आपके साथ में काम करते हैं आपके कलीग, उनके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए ताकि आप अपने सुख दुख बांट सकूँ।
देन स्टीम क्या होता है, जॉब टाइटल, मतलब आपकी क्या पोस्ट है। और लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ गोल, कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो आप वहाँ के गोल को अचीव कर लें। ये ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है। एक सिंपल इंडिविजुअल इंसान क्या सोचता है, सबसे पहले बेसिक क्या सोचेगा, खाने के बारे में, दूसरा क्या सोचेगा, इनकम के बारे में, तीसरा क्या सोचेगा, दोस्ती भी होनी चाहिए, चौथा क्या सोचेगा, यार स्टेटस तो चाहिए ही, लास्ट सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब मैं सब कुछ पूरा कर पाऊँ। ये चीज़ों के बारे में मास्लो हायरार्की थ्योरी ने बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम समझाया है, आपको भी क्लियर हो गया होगा। देन एजम्पशन ऑफ मास्लो नीड हायरार्की थ्योरीज, इनकी कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब क्या होता है, जो फैक्ट नहीं है, सिर्फ एज्यूम किया गया है, ठीक है, अंदाजा बनाया है। तो पीपल बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन देयर नीड, पीपल का व्यवहार किसके हिसाब से हम जांच सकते हैं, उनकी आवश्यकता के हिसाब से। अब अभी में से आप देखना, अभी जो गरीब पर्सन होती है उनकी जो बिहेवियर है उसके हिसाब से होगा, जो रिच पर्सन होता है उनका बिहेवियर रिचनेस के हिसाब से होता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, जब तक आपकी उस सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता आपके नीड को, तब तक आपके बिहेवियर में चेंजेस नहीं आता। सेकेंड, पीपल नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड टू अदर हायर लेवल नीड। पीपल जो है उसकी ज़रूरत शुरुआत बेस से होती है और लास्ट लेवल तक वो क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर एक कोशिश करता है। तीसरा, ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, अगर सेटिस्फाइड ज़रूरत आपकी है तो लंबे समय तक आपको कोई बार बार मोटिवेट नहीं करेगा, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी आपकी मिल गई तो आप ऑटोमेटिकली पेंशन के लिए मोटिवेट हो जाओगे, पेंशन मिलने के बाद में आप अपना आगे स्टेटस के लिए मेंटेन हो जाओगे, मतलब आगे की ओर खुद ही बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। रोल ऑफ मास्लो थ्योरी इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के हिसाब से मास्लो थ्योरी का क्या रोल है। मास्लो थ्योरी फोकस करती है नीड के बारे में, जो बेसिक मोटिवेशन होती है हमारी, ये मदद करती है मैनेजर को कि वो रियलाइज़ करे नीड लेवल ऑफ द एम्प्लॉई, हमारी जो आवश्यकता है उसका क्या लेवल है, शुड बी आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू देम, और इसके लिए क्या किया जाता है, उनको मोटिवेट भी करती है, जिससे कि हमें क्या हो, हमें पता चले कि हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं। देन मोटिवेशन के बाद हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव भी तो चाहिए, बिना पैसे का तो कोई कुछ काम करता नहीं है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव रेफर्स टू इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्टली मॉनेटरी फ्रॉम और मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स एंड सर्विसेज टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। मॉनेट मतलब जो पैसा है, पैसे संबंधित आपको कुछ चीज़ें दी जाए या आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ और चीज़ें दी जाए जिससे कि आप सेटिस्फाई रहो। दिस इंसेंटिव मे बी प्रोवाइड एन इंडिविजुअल और ग्रुप बेसिस, ये इंसेंटिव आपको प्रोवाइड किया जाता है या तो सिंगल पर्सन को या तो ग्रुप में, बट पैसे तो चाहिए ही। तो इसके अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या आता है, फर्स्ट पे एंड अलाउंसेस, मतलब आपको पेमेंट मिलनी चाहिए, हर एम्प्लॉई को सैलरी मिलनी चाहिए, बेसिक इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। इसके अंदर क्या आ सकता है, बेसिक पे है या डियरनेस अलाउंसेस है, DA जो कटता है आपका, एंड अदर अलाउंसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सैलरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, रेगुलर इंक्रीमेंट होनी चाहिए इन दी पे एवरी ईयर एंड इन्हांसमेंट ऑफ अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपका इंक्रीमेंट हमेशा होते रहता है तो आपको काम करने में भी मज़ा आता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, बोनस, इट इज़ एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेज सैलरी टू दिस एम्प्लॉय, मतलब आपको जो वेजेस है सैलरी मिलती है उसको छोड़कर आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है बोनस, तो वो बोनस भी आपको क्या करता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में बहुत अच्छा लगता है। थर्ड वन, परक्विसाइट्स, मतलब इन मेनी कंपनी परक्विसाइट एंड फ्राइन बेनिफिट आर ऑफर सच एज कार अलाउंसेस, हाउसिंग, मेडिकल एड्स एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एक्सेट्रा ओवर एंड अबव द सैलरी। मतलब आपकी सैलरी को छोड़कर आपके घर मिल जाना, आपको कार दे देना, आपके घर घर की सुविधाएं देना, मेडिकल का ट्रीटमेंट स्कूल कंपनी वाले लेंगे, या आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको हेल्प मिलेगी, इसको हम बोलते हैं परक्विसाइट्स। दिस मेजर हेल्प टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉई और मैनेजर। इससे क्या होता है कि परिवार में सभी बेनिफिट जब कंपनी आपको दे रही है तो आप क्यों वहाँ पर काम करने से हिचकिचाओगे, आप तो एकदम हैप्पीली काम करोगे। देन प्रॉफिट शेयरिंग, सबसे मेन प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है प्रोवाइड करते शेयर एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट, जो हमारे कंपनी में प्रॉफिट होगी उसका एक हिस्सा हमें एम्प्लॉय को भी देना चाहिए। दिस सर्व टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को भी लगता है कि काम हमारे वजह से हमारे कंपनी को इतना प्रॉफिट मिला, सर ने हमारे बारे में इतना सोचा भी, इसके लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, और ज़्यादा मेहनत करते हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट कंपनी का और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, इसके जस्ट नीचे हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंसेंटिव्स, मतलब क्या चीज़ें जो फाइनेंस से नहीं है। जैसे पहला, करियर एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जो आपकी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें पैसे नहीं लगते बट आपको इंसेंटिव्स ही है। ये
हर इंडिविजुअल की इच्छा होती है कि वो बढ़े, आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो। मैनेजर भी क्या चाहता है कि उसको एक ऐसा मौका मिले जिससे कि वो एम्प्लॉई की इम्प्रूव कर सके, अपनी स्किल को प्रमोट कर सके हायर लेवल ऑफ जॉब। अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या साउंड प्रमोशन पॉलिसीज है, ये हमेशा मदद करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो क्या कर सके, प्रमोशन ले सके। और प्रमोशन वर्क एज ए टॉनिक, और प्रमोशन एक टॉनिक का काम करता है जिससे क्या होता है, इंकरेजमेंट होता है एम्प्लॉयज़ को कि वे अपने जो अपना परफॉर्मेंस है उसको हमेशा सुधारने की ही कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ प्रमोशन। ये करियर के लिए बारे में सोची गई बात है। सेकेंड, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, मतलब एम्प्लॉय को अगर पार्टिसिपेशन का मतलब इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इशू रिलेटेड टू दैम, जो इशू आपके एम्प्लॉय से है और एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के सामने बोलने का मौका मिलता है तो भी उन्हें लगता है कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी हमें मौका तो दे रही है अपनी बातों को सामने रखने के लिए। इन मेनी कंपनी दिस प्रोग्राम आर इन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, बहुत सारे जगहों में JMC ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी के हिसाब से पार्टिसिपेशन होता है, जहाँ पे वर्क कमेटी है या कैंटीन कमेटी है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं आपस में मिलकर अपनी क्वेरीज को बताते हैं। तो ये भी क्या है, नॉन फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट इंसेंटिव्स है। देन थर्ड वन, स्टेटस इन दी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, स्टेटस मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजिशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोजिशन है, कौन सा रैंक में है। यहाँ पर जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिवॉर्ड्स है, रिकॉग्निशन है या परक्विसाइट्स है या प्रेस्टीज ऑफ द जॉब इंडिकेट करती कि आपकी स्टेटस जो है किसी इंसान को दी हुई पर्सन को उसके मैनेजरियल पोजीशन किस तरीके की है, ठीक है। और साइकोलॉजिकली सोशल और इस्टीम नीड जो होती है इंडिविजुअल की वो सेटिस्फाई करती है उसके स्टेटस को उसके जॉब से। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इंडिकेट करता है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके अंदर जो भी डिफरेंसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या डिफरेंस है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर इंडिविजुअल का अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी या रिवॉर्ड ओरिएंटेशन या कंसिडरेशन टू एम्प्लॉई या रिस्क टेकिंग एक्सेट्रा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे सब कुछ एम्प्लॉय खुद लेना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से। बट इफ़ मैनेजर टेक पॉजिटिव मेजर, अगर मैनेजर जो है पॉजिटिव इफेक्ट मेजर लेते हैं रिगार्डिंग ये सब चीज़ों के बारे में, तो इससे मदद मिलती है बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के लिए। मतलब अगर हमेशा एम्प्लॉय को ही सफ़र करना पड़ेगा तो उसका बैड इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा, बट अगर एम्प्लॉय को सफ़र ना करना पड़े और मैनेजमेंट खुद अपने ऊपर हेडेक ले ले तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। देन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबऑर्डिनेट, मतलब अपने जो वर्कर हैं या सबऑर्डिनेट साथ में काम करने वाले हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर दो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी इस तरीके से कि वो काम और अच्छा कर सके। एम्पावरमेंट मेक पीपल फील दैट देयर जॉब आर इम्पॉर्टेंट, एम्पावरमेंट से उनको ऐसा फील होता है कि हमारा काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो फीलिंग होती है वो कंट्रीब्यूट करती है पॉजिटिवली यूज़ ऑफ द स्किल एंड टैलेंट ऑफ द जॉब परफॉर्मेंस, जिससे कि आपका जो स्किल है, आपका जो टैलेंट है परफॉर्मेंस का काम करने का, वो और निखर जाता है। तो इसके आज हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है, ये हमने देखा था नॉन फाइनेंशियल पेंशन, उसके बाद इंसेंटिव्स, उसके पहले देखा था फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, देन हमने क्या देखा था मास्लो हायरार्की थ्योरी, उसके हमने कुछ एजम्पशंस भी देखे थे, देन हमने उसके पहले क्या देखा था फीचर्स ऑफ मोटिवेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरीज हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।